बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बड़े मज़े की चटपटी सी चीज़ लेके आई हूँ, दही चना पापड़ी, जो कि बहुत आसान है। बस खाली मिक्सिंग इसमें करनी है। मैंने जो है चना देखिए इसे उबाल लिया था, इसे अच्छी तरीके से गल चुका है चना, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये आलू ने उसे भी बॉयल कर लिया था, इस तरह से बारीक बारीक काट दिया। तो ये एक कप के करीब जो है चना है और ये एक मीडियम साइज़ का आलू है। इसके अलावा ये पापड़ी है, ये थोड़ा सा मैंने सियो लिया है और ये मिक्स है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, प्याज है, टमाटर है, ये है। और इसके अलावा मैंने ये हरी चटनी है, ये हरे धनिया की चटनी है जो कि आम तरीके से बनती है, हरा धनिया और मिर्ची डाल के, लहसुन डाल के। और ये इमली का पेस्ट है, इसको थोड़ा सा मैंने इसमें मैंने थोड़ी सी चाट मसाला और पानी डाल के इसे पतला कर लिया था। और ये जो है लाल चटनी है जो कि केचप से बनाई है मैंने, इसमें मैंने केचप में थोड़ा सा चीनी डाल के और चिली सॉस डाल के इसे पतला कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा ये मेरे घर का चाट मसाला है और ये चाट मसाले हैं और थोड़ी सी कुटी मिर्च और ये दही जाएगी इसमें, ठीक है। तो चने शुरू करते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सब मसाले, ठीक है, सारे मसाले डालेंगे इसमें। इसके अलावा इसमें लाल चटनी डालूँगी, थोड़ी सी हरी चटनी डालूँगी, इमली की चटनी जो भी आपके पास मौजूद हो वो डालिएगा, थोड़ी सब्जी, पापड़ी, आपके पास जो भी चीज़ आप उसमें डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये चीज़ें डालेंगी, ठीक है। थोड़ा सा सरसों में डालूंगी दही, इसमें यह कि ज़्यादा डलती है, इसको पेट में आप पानी डाल के अच्छे तरीके से दही को, पानी या दूध डाल के जो भी आपको पसंद हो। ये देखें कितने मज़ेदार लंबी चटपटी, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। ये तैयार हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट दही चाट जो है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों को इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।